आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोके आलू, जो मेरे बहुत फेवरेट है, मेरे बेटे के बहुत फेवरेट है, मेरे भाई के बहुत फेवरेट है। और इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला है ऑयल, और मैंने सारी प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी, जो मैं आपको दिखा दूँगी वन बाई वन क्या दही के आलू के लिए क्या क्या चाहिए। तो कढ़ाई को मैंने प्री हीट भी कर लिया था पहले ही, तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। कढ़ाई को हीट करने के लिए मैं देख रही थी कि धुआं आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये है मेरे हाथ में सारे खड़े मसाले, ये है हींग, जीरा, मिर्च को स्लाइस में काटा हुआ, इलायची दाना, सब कुछ, काली मिर्च लौंग, दो इलायची दो काली मिर्च, ये मैंने डाल दिया। अब मैंने प्याज हरी मिर्च को चॉप करके रखा हुआ था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको मैं पिंक होने तक भूनूंगी। साइड में मैंने दही ले लिया था, ये पिंक हो चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूंगी गैस को। ये मेरे आलू हैं जो मैंने बॉईल किए हुए हैं। आलू को ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना और कम बॉईल भी नहीं करना, मीडियम रखना है, क्योंकि आलू हम ज़्यादा बॉईल कर लेंगे तो मतलब मैं सब्ज़ी बनाऊँ मतलब हम जो सब्ज़ी बनाएंगे उसमें वो उबलते उबलते बिल्कुल मैश हो जाएंगे। थोड़ा सा ना आलू को ना ज़्यादा सॉफ्ट करना है ना ज़्यादा हार्ड करना है, बीच का रखना है। अब मैंने दही को फेंट लिया था राइस है, और उसमें डाले मैंने अपनी हल्दी, धनिया, मिर्च के साथ मैं इसको फेंट लूँगी दोबारा से। दही को नमक नहीं डालते हैं, नमक डालते हैं सब्जी में उबाल आने के बाद, थोड़ा बॉईल होने के बाद। बाकी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, और जो मेरे एडिशनल मसाले हैं जो आप जानते हैं, छोले मसाला या जो भी सब्जी मसाला मेरे पास होता है वो भी मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा सांभर मसाला, मैंने बताया ना मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा मसाले होते हैं सांभर, छोले या मीट मसाला, वो थोड़ा सा डाल देती हूँ हर सब्ज़ी में। पता नहीं क्या मुझे थोड़ा सा कुछ है सब्ज़ी में डालने का भूत है, मतलब भूत समझ लीजिए, मतलब एक नशा है कि हर मसाले डालने का, यूज करने का एक मुझ पर नशा है शायद। इस टाइप का नशा अच्छा तो नहीं होता, इतना मसाले खाना भी अच्छा नहीं होता, पर क्या करूँ नशा ज़्यादा है ना। ये थोड़ा सा जिंजर पाउडर, ये सब डाल के अब मैं इसको कर लूँगी फैट लूँगी अच्छे से रही से। इसमें मैं डाल दूँगी आलू, और जब मैं कढ़ाई में आलू छोड़ूंगी ना तो मैं धीरे धीरे चलाती रहूँगी कम से कम आधे मिनट या एक मिनट तक कढ़ाई में गैस को ऑन करने के बाद, क्योंकि गैस में ऑन करने के बाद आप दही को छोड़ दो तो ही फट सकता है। तो आपको एक सेकंड तक या एक सेकंड नहीं मतलब आधा मिनट तक या एक मिनट तक आपको उसके बाद भी गैस में डालने के बाद भी चलाना है। अब मैं आलूओं को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं मतलब तोड़ूंगी, बस हल्का हल्का सा तोड़ कर डाल दूँगी इसमें।
गैस को मैंने बंद कर दिया था प्याज को फ्राई होने के बाद, क्योंकि ठंड गर्म तेल में नहीं डालेंगे तो फट जाएगा। तो मेरी जब तक आलू मैंने फोड़े तब तक तो मेरी गैस मेरा ऑयल भी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको ऐड करने के बाद, गैस ऑन करने के बाद भी 1 मिनट तक चलाऊँगी, आधे मिनट तक चलाऊँगी, क्योंकि डालने के बाद अगर आप चलाओगे नहीं तो फट सकता है। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, पर पानी ऐड करने के बाद ऑन करूँगी। मैंने गैस को ऑन कर दिया है पानी ऐड करने के बाद। अब इसको मैं कम से कम आधा मिनट या 1 मिनट तक चलाऊंगी कंटिन्यू, क्योंकि गैस होने के बाद फटने का डर है, भले ही कितना ही आपने तेल को ठंडा कर लिया हो, इसमें कम से कम आपको 1 मिनट तक चलाना पड़ेगा गैस ऑन करने के बाद, इससे कि वो थोड़ा उसके टेम्परेचर में नॉर्मल हो जाए, सही वे फटेगा नहीं। और मैंने आपको दिख रहा होगा थोड़े से प्लेट में मैंने काली मिर्च और लौंग को कूट के रखा हुआ है, वो मैं डाल दूँगी इसमें। थोड़ी मैंने दो दो साबुत डाली थी और दो मैंने कूटी हुई रखी हुई हैं। इलायची भी है उसमें, मैंने इसको मैं अच्छे से कूटा हुआ है और मैं इसमें ऐड कर दूँगा। धनिया भी मैंने काटा हुआ है जो मैं गार्निश के तौर पे इसमें ऐड करूँगी, और मैं पहले भी कर सकती हूँ, डिपेंड ऑन माई मूड है। ये है वो काली मिर्च और लौंग जो मैं डाल रही हूँ उसमें। ऐसे ही मैं इसको चलाती रहूँगी 1 मिनट तक। इसमें मैं धनिया ऐड कर दूँगी और मैं इसका फिर आपको ना ज़्यादा ना इसको थिक रखना है ना ज़्यादा इसको तरी वाला रखना है, इसको मीडियम मीडियम लुक दूंगी और मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। फिर बनाने का जो मेरा मेथड है उसमें राइस को मैंने कुकर में धोकर डाला हुआ है। फिर धोकर डालने के बाद जो हमारी फिंगर्स होती है, फिंगर पे ये निशान दिख रहा है आपको, उस निशान से हाफ मेजरमेंट पानी रखना है, और आपकी फिंगर जो टॉप पे होती है ना टिप, उससे आपका राइस टच होना चाहिए। उसके बाद आपकी फिंगर पे जो निशान है, फर्स्ट वाला निशान है, उससे हाफ वाटर लेना है, और फिर उसमें आपने नमक, कुछ बूंदे नींबू की, नींबू के रस की, और आपका घी 1 चम्मच डाल के लेड लगा के
आपको दो विसिल लेनी है। जो सब्जी में ग्रेवी चाहिए थी वैसे मैंने सब्जी की ग्रेवी रखी, आपने देखी मेरी सब्जी।